नमस्कार बच्चों, मैं प्रतीक रस्तों की स्वागत करता हूं आप सभी का मदर मिरेकल डिजिटल क्लासेस में। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं क्लास 11 का चैप्टर 1, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। बेटा, इकोनॉमिक्स का एक सब्जेक्ट था स्टैटिक्स, दूसरा आपका इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, तो उसका पहला चैप्टर है ये इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो बच्चों, जानते हैं इस चैप्टर में सबसे पहले कि कौन कौन से टॉपिक कवर होने वाले हैं। चलिए बच्चों, टॉपिक्स कवर्ड इन दिस चैप्टर इज एग्रीकल्चर सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। पहला टॉपिक है हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर ऑन ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी कि भारतीय ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी कि इंडिपेंडेंस के समय पे भारत के एग्रीकल्चर सेक्टर कैसा था, क्या स्थिति थी, उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। फैक्टर कॉजिंग बैकवर्डनेस एंड स्टैग्नेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर में जो ग्रोथ की कमी के कारण थे और जो पिछड़ेपन के कारण थे, उनको हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट है आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑन अ ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑन अ ईव ऑफ इंडिपेंडेंस क्या स्थिति थी, उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। इंडस्ट्रियल सेक्टर कैसा था वहां पर उस समय, ईव ऑफ इंडिपेंडेंस के समय पर, वो पढ़ेंगे। ड्रेन ऑफ इंडियाज वेल्थ, डेमोग्राफिक कंडीशंस, यानी कि इंडिया की वेल्थ की कंडीशन क्या थी, कैसे वो ड्रेनेज हो रही थी, कम क्यों हो रही थी, डेमोग्राफिक कंडीशन क्या थी, उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी कि भारत इंडिपेंडेंस, स्वतंत्र भारत के समय पे, स्वतंत्र भारत जब हुआ था उस समय पे इंफ्रास्ट्रक्चर और ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर भारत का क्या था, ठीक है। इंडियाज नेशनल एंड पर कैपिटा इनकम, इंडियाज नेशनल और पर कैपिटा इनकम क्या थी, कैसे निकाली गई, किसने योगदान दिया उसके क्षेत्र में। लो इकोनॉमिक ग्रोथ अंडर द कॉलोनियल रूल, रीजन कौन कौन से थे जिसके कारण हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास बहुत कम हुआ, किस समय, ब्रिटिश शासन के समय पर, ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास कम क्यों हुआ, वो पढ़ेंगे हम यहाँ पर। स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, यानी कि कृषि क्षेत्र की हमारे क्या स्थिति थी। स्टेट ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर, स्टेट ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर यानी कि इंडस्ट्रियल सेक्टर की स्थिति क्या थी यहाँ पर, ठीक है। स्टेट ऑफ फॉरेन ट्रेड्स की स्टेट्स क्या थी, यानी कि स्थिति क्या थी उस समय। स्टेट ऑफ ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर की स्थिति क्या थी इंडिपेंडेंस के समय पे। तो बच्चों, ये भी कह सकते हैं हम, स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर बोल लो या एक्सप्लॉयटेशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस भी बोल सकते हो। ये जितने भी स्टेट का मतलब है यहाँ पर, जो स्टेट लिखी हुई है मैंने, स्टेट का मतलब यहाँ पर एक्सप्लॉयटेशन है, ठीक है। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर बाय ब्रिटिश रूल, स्टेट ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर बाय ब्रिटिश रूल, स्टेट ऑफ फॉरेन ट्रेड बाय ब्रिटिश रूल्स, स्टेट ऑफ ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर बाय ब्रिटिश रूल ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस क्योंकि इंडिपेंडेंस के समय पे क्या स्थिति थी यहाँ पर और क्या एक्सप्लॉयटेशन उन लोगों ने करे थे। चलिए बढ़ते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक की ओर, एग्रीकल्चर सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी कि एग्रीकल्चर, कृषि क्षेत्र पर इंडिपेंडेंस के समय पर क्या 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 स्थिति थी, कैसी, क्या कारण थे उसके कम होने के या ग्रोथ जो नहीं हो पा रही थी, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थी, ये सब हम यहाँ पे पढ़ेंगे। इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस एग्जिबिट थ्री प्रिंसिपल कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि भारत के कृषि क्षेत्र की तीन मुख्य चरित्र पाए जाते थे, तीन मुख्य फीचर्स पाए जाते थे इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर में। दीज कैरेक्टरिस्टिक पॉइंटेड टू बैकवर्डनेस ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर एंड एज वेल एज इट्स स्टैग्नेशन, और यही तीन कारण थे जिनके कारण इंडियन एग्रीकल्चर क्षेत्र पिछड़ते जा रहा था और उसमें ग्रोथ बहुत कम हो पा रही थी। तो पहला पॉइंट था आपका लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी, पहला पॉइंट है लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी, यानी कि उत्पादन का निम्न स्तर था, उत्पादन होने ही नहीं दिया जा रहा था, उत्पादन करने के लिए बहुत सारे प्रेशराइजेशन, बहुत सारी टैक्सेस पॉलिसी लगा दी गई थी। हाई डिग्री ऑफ वनरेबिलिटी, फसल को किसी भी तरीके से, फार्मर्स को किसी भी तरीके की सुरक्षा नहीं थी, यानी कि असुरक्षित थे, यानी कि असुरक्षा का उच्चतम स्तर था यहाँ पर, ठीक है। थर्ड है अ वेज बिटवीन ओनर ऑफ द सॉइल एंड टिलर ऑफ द सॉइल, यानी कि जो ओनर थे सॉइल के, यानी कि जिन जो जमीन के मालिक थे उनके बीच में फंसा दिया था, और टिलर ऑफ द सॉइल जो काम करने वाले थे उस लैंड पर, उनके बीच में एक ब्रिटिश सरकार ने उन्हें आपस में फंसा दिया था एक एग्रीमेंट के थ्रू, ठीक है। तो एग्रीमेंट क्या होता था, लैंड ऑफ सॉइल के, लैंड ऑफ सॉइल जो होते थे, ऑनर ऑफ द सॉइल जो होते थे, यानी कि मिट्टी जो इनके पास अपनी लैंड होती थी,
लैंड ओनर्स, तो लैंड ओनर्स के पास क्या करते थे, ब्रिटिश सरकार ने एक रूल बनाया कि आपको हमें क्या देना है, अपने लैंड पे जितना भी उत्पादन करना है आप करिए, लेकिन हमें एक मुश्त क्या देंगे, रेंट देंगे, अपनी जमीन का रेंट देंगे, ठीक है। तो उससे क्या होता था, उन्हें रेंट मिल जाता था, और फायदा किसे मिलता था, लैंड ओनर्स को। लैंड ओनर कितना भी प्रोडक्शन कर सकता था, कितना भी एक्सप्लॉयटेशन कर सकता था, किसका, टिलर ऑफ द सॉइल, यानी कि जो लैंड पे काम करने वाली लेबर है, ठीक है। तो जितना भी प्रोडक्शन होता था उसका एक रेंट के तौर पे उन्हें जमीन के किराए के तौर पे किसे देना होता था, ब्रिटिश सरकार को देना होता था। ब्रिटिश सरकार ने छूट दे दी थी इन लैंड ओनर्स को कि आप जाके कितना भी प्रोडक्शन करिए, हमें लैंड से बस किराया चाहिए, और कितनी भी एक्सप्लॉयटेशन करिए अपने वर्कर्स की, हम नहीं सुनने वाले हैं, आपको ये छूट दे दी जाती है, ठीक है। देन इसके बाद क्या हुआ, फैक्टर कॉजिंग द बैकवर्डनेस ऑफ स्टैग्नेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। क्या रीजन थे ब्रिटिश रूल के समय पे एग्रीकल्चर, इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर में बैकवर्डनेस आई, और क्या कारण थे कि उसकी ग्रोथ नहीं हो पाई। तो पहला कारण था लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट अंडर द ब्रिटिश राज। तो जैसा कि मैंने बताया कि ब्रिटिश राज के अंतर्गत क्या करा, एक लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट होता था अब लैंड के ऑनर और ब्रिटिश सरकार के बीच में, ठीक है। ब्रिटिश सरकार और लैंड ओनर्स के बीच में एक एग्रीमेंट होता था, उसके अगेंस्ट उन्हें क्या देना होता था, एक रेंट देना होता था ब्रिटिश सरकार को। फोर्स कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, जबरदस्ती क्या करा जाता था, जो खेती होती थी, खेती से जो फसल निकलती थी उसका कमर्शलाइजेशन किया जाता था, कम रेट पे खरीदना और अपने देशों में भेज देना। इस कारण से हमारी जो भारतीय कृषि क्षेत्र था वो पिछड़ा होता जा रहा था, और उसमें कमियां, जो ग्रोथ नहीं हो पा रही थी, ग्रोथ की कमियां पाई जा रही थी, वो ये दो कारण की वजह से पाई जा रही थी। समझ में आया, पहला एक रेवेन्यू सेटलमेंट, और सेकंड फोर्स कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, ठीक है। जो भी प्रोडक्ट हो रहे थे एग्रीकल्चर से उनका फोर्सली कमर्शलाइजेशन किया जा रहा था, अपने आप भेजा जा रहा था, अपने आप बेचा जा रहा था, ठीक है। नेक्स्ट चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर। इंडस्ट्रियल सेक्टर, सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन इज द टर्म दैट डिस्क्राइब द स्टेटस ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। इट अप्लाइज टू थिंग्स, ठीक है। डिसेंट्रलाइजेशन, सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन जो करा गया, ये यह बताती है कि भारत में ब्रिटिश रूल के समय पे क्या एक्सप्लॉयटेशन करे गए, जिसके कारण भारत की इंडस्ट्रियल सेक्टर बिल्कुल खत्म हो गई। तो उसके अंदर दो चीजें थी, दो कारण थे जिसके कारण इंडस्ट्रियल सेक्टर खत्म हो गया। पहला था, बच्चों आप लोगों को बता दूं कि हमारा इंडिपेंडेंस के समय पे भारत जो सबसे ज्यादा फेमस था एक्सपोर्ट के लिए, वो था हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट के लिए। हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट से भारत सबसे ज्यादा पैसा कमाता था, ठीक है। हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट बनाता था और उसको बाहर एक्सपोर्ट कर देता था, और सबसे ज्यादा माल इंडस्ट्रियल सेक्टर में भारत का जाता था, जिस कारण भारत की इनकम होती थी। लेकिन ब्रिटिश सरकार के आने से क्या हुआ, ब्रिटिश सरकार के आने से उन्होंने क्या कर दी, अपनी डिस्क्रिमिनेटिंग प्रोडक्ट पॉलिसी लगा दी, टैक्सेस पॉलिसी लगा दी, जिसके थ्रू उन्होंने हैंडीक्राफ्ट को बाहर जाने पर इतने ज्यादा टैक्सेस लगा दिए कि वो इंडस्ट्री पूरी खत्म हो गई, ठीक है। उस इंडस्ट्री से एक्सपोर्ट होना खत्म हो गया बिल्कुल, ठीक है। जिस कारण क्या हुआ, हमारा एक्सपोर्ट खत्म हो गया, इंडिया की इकोनॉमिक कंडीशन बुरी होती चली गई। ब्लीक ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री, नाउ द लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। जाहिर सी बात है, भारत में एक तो इंडस्ट्री थी नहीं, जितने भी थे हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स थे, अगर इंडस्ट्रीज होती तो डेवलपमेंट होता। यही कारण था कि बहुत ही निम्न तौर पर मॉडर्न इंडस्ट्री का विकास हो पा रहा था, और फॉरेन इन्वेस्टमेंट ना होने के कारण, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज, इन्वेस्टमेंट अवसर नहीं मिलने के कारण, निवेश ना होने के कारण भारतीय इंडस्ट्रियल सेक्टर जो था पिछड़ता चला जा रहा था। किस समय पर, ब्रिटिश रूल के समय पर। तो ब्रिटिश रूल के समय पर पहला कारण आपका क्या हुआ, डिस्क्रिमिनेटिंग टैरिफ पॉलिसी बोल सकते हो, या टैक्स पॉलिसीज बोल सकते हो बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट, ठीक है, हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट पे जो लगाए गए। सेकेंड थिंग थी ब्लिक ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री, ब्लिक ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज। थर्ड पॉइंट अगर आप बोलना चाहो तो लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज भी बोल सकते हो, ठीक है। तो इन सब के पीछे टू फोल्ड मोटिव बिहाइंड द सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। दो कारण थे जिसके, दो पक्ष के कारण थे जिस कारण सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइज किया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा भारत को। पहला कारण क्या था, टू एक्सप्लॉइट इंडियाज वेल्थ ऑफ रॉ मटेरियल एंड प्राइमरी प्रोडक्ट्स। इट वॉज रिक्वायर्ड टू फुलफिल इमर्जिंग नीड्स फॉर इंडस्ट्रियल इनपुट इन वेक ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन ब्रिटेन, ठीक है।
तो हमें पता है भारत एक कृषि प्रधान देश था, तो यहाँ के जितने भी होते थे रॉ मटेरियल होते थे, रॉ मटेरियल, तो उन रॉ मटेरियल को एक्सप्लॉइट करके, प्राइमरी प्रोडक्ट्स को एक्सप्लॉइट करके वो कहाँ करते थे, ब्रिटिश सरकार उसे कहाँ भेज देती, ग्रेट ब्रिटेन में अपने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के लिए यूज करती थी। यानी कि यहाँ का माल वो क्या करते थे, लोगों से एक्सप्लॉइट करके छीन लेते थे और उसके पैसे, उसके बदले में बहुत कम पैसा देते थे। जब वो पैसा देते थे तो वो कहाँ चले जाता था, ब्रिटेन भेज देते थे उस सामान को, और उसकी वजह से उनके इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में बहुत बड़ा विकास हुआ और भारत में कमी हो गई रॉ मटेरियल्स की। ठीक है, तो इस तरीके से एक्सप्लॉइटेशन करा उन्होंने रॉ मटेरियल और प्राइमरी प्रोडक्ट्स का। सेकंड पॉइंट है टू एक्सप्लॉइट इंडिया एज अ पोटेंशियल मार्केट फॉर द इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट ऑफ ब्रिटेन। ठीक है, उन्होंने क्या करा, इंडिया के मार्केट को, जो इंडिया का पोटेंशियल मार्केट था, जो इंडिया का मार्केट था, उन्होंने क्या करा, वहां पर जो हमारे रॉ मटेरियल या और कोई प्रोडक्ट हमारे इंडियन प्रोडक्ट होते थे उनकी जगह पर उन्होंने ऑप्शन ला दिया अपने ब्रिटेन के प्रोडक्ट, जो ब्रिटेन के इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट थे उनको लाना चालू कर दिया और एक्सप्लॉइट कर दिया हमारे इंडियन मार्केट को। ठीक है, क्योंकि अगर बाहर से माल आएगा तो इंडिया का प्रोडक्ट ऑब्वियसली कॉम्पिटिशन में खड़ा हो जाएगा और इंडिया के प्रोडक्ट का कॉम्पिटिशन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट से कर दिया, तो इस कारण हमारा क्या हो गया, इंडस्ट्रियल सेक्टर खत्म होता चला गया। सेकेंड पॉइंट मिल गया। थर्ड पॉइंट है आपका फॉरेन ट्रेड, इंडिया हैज बीन ऑक्यूपाइड अ प्लेस एमिनेंस इन द एरिया ऑफ फॉरेन ट्रेड सिंस एशियन टाइम्स बट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया एंडेड दिस एमिनेंस। देखो, जो फॉरेन ट्रेड होता था भारत का वो पहले बहुत ही ज्यादा था, भारत का एक अपना स्थान हुआ करता था फॉरेन ट्रेड में। क्यों? क्योंकि भारत क्या करता था, प्राचीन काल में अपने हैंडीक्राफ्ट मटीरियल के लिए बहुत फेमस था, अपने हैंडीक्राफ्ट हस्तशिल्पकार के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस था, जिस कारण वो सबसे ज्यादा हैंडीक्राफ्ट मटेरियल को एक्सपोर्ट करता था और उससे फॉरेन ट्रेड को करता था। बट ब्रिटिश रूल जब इंडिया में आ गया, भारत में जब ब्रिटिश गवर्नमेंट आई, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भारत के इस एमिनेंस का समापन कर दिया। समापन कैसे कर दिया बच्चा, वो उन्होंने क्या करा, उनके फॉरेन ट्रेड्स पे उन्होंने क्या कर दी, एक तो हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट पर डिस्क्रिमिनेटिंग टैक्सेस पॉलिसी लगाई, टैरिफ पॉलिसी लगाई, जिस कारण वो समाप्त होता चला गया और वो इंडस्ट्री खत्म हो गई। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। ड्रेन ऑफ इंडियाज वेल्थ, ह्यूज एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस वर इनकर्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू मैनेज देयर कॉलोनियल इन इंडिया। तो बच्चा, जितना भी इंडिया का पैसा था, जितना भी इंडियन सरकार के पास पैसा था, वो ब्रिटिश सरकार क्या कर रही थी, जो प्रशासन के लिए जो पैसा खर्च कर रही थी, वो अपने रूल का शासन, यानी कि अपने अपने चीजों को मनवाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने अपना जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस पे खर्च होने वाला पैसा था, सारा पैसा वहां खर्च कर दिया। किस पे? कि अपनी पॉलिसीज को वो थोपे लोगों पर, ठीक है, और अपनी चीजों को मनवाने के लिए उसने क्या कर दिया, बहुत ज्यादा खर्चा करा। ऑल्सो ह्यूज एक्सपेंसेस वर इनकर्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू फाइट वॉर्स इन परस्यूट्स ऑफ देयर पॉलिसी ऑन इंपीरियलिज्म। और अगर कोई उनकी पॉलिसीज को नहीं मानता था तो उनके अगेंस्ट फाइट करने के लिए वो बहुत ज्यादा खर्चा करती थी। कौन? ब्रिटिश सरकार। ब्रिटिश सरकार ने बहुत खर्चा किया है, ठीक है, खाली अपनी बातों को मनवाने के लिए। सेकंड था आपका डेमोग्राफिक कंडीशन। डेमोग्राफिक कंडीशन ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल एग्जिबिट ऑल द फीचर ऑफ स्टैग्नेंट एंड बैकवर्ड इकोनॉमी। बोथ बर्थ एंड डेथ रेट वर वेरी हाईली, नियरली 48-40 per 1000 रेस्पेक्टिवली। तो डेमोग्राफिक कंडीशन जो थी हमारे ब्रिटिश शासन के समय पे, वो ये दिखाती थी, वो ये दर्शाती थी कि सबसे ज्यादा स्टैग्नेंट थी और बैकवर्ड इकोनॉमी थी हमारी। ठीक है, सारे फीचर्स थे उसके अंतर्गत जो, जिसके कारण हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था क्या हो रही थी, पिछड़ती जा रही थी। और उसके पिछड़ेपन का कारण कौन थी? ब्रिटिश रूल के अपने कारण। ठीक है, इसी कारण की वजह से बर्थ रेट और डेथ रेट हमारी भारत में बहुत ही ज्यादा हाई था ब्रिटिश शासन के समय पे, जो कि 48 बर्थ रेट था, 48 per 1000 रिलेटिवली, और 40 per 1000 रिस्पेक्टिवली डेथ रेट था। तो ये लगा लो 40 मर जाते थे 1000 पे और 48 बॉर्न होते थे 1000 पे। ठीक है, तो बर्थ रेट और डेथ रेट इस तरीके से बहुत ज्यादा हाई थे उस समय के। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर क्या था? ग्रेटर डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर एज सजेस्टेड बाय द ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस इंप्लाइज लेसर अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड पर हेड फॉर द फार्मिंग पॉपुलेशन। अकॉर्डिंगली एग्रीकल्चर was taken largely as a means of subsistence and less as an occupation for profit. तो देखो,
क्या हो गया था उस समय पे, क्या हो गया जब हमारा ईव ऑफ इंडिपेंडेंस आया, तो बहुत कम ही लोग थे, बहुत कम पॉपुलेशन ऐसी थी जिनके पास अपना लैंड था। ठीक है, जिनके पास अपना लैंड था उन्हें क्या देना पड़ता था, एक रेंट देना था, एक मुस्त रकम देनी पड़ती थी। आपने लगान देखा होगा, लगान सुना भी होगा कि लगान देना पड़ता था, टैक्सेस बोला जाता था उन्हें, रेंट बोला जाता था, ब्रिटिश सरकार पैसा लेती थी। ठीक है, तो फार्मिंग करने के लिए जो पॉपुलेशन थी उनके अगेंस्ट, जो उनके अपने लैंड थे उनके उनके उन वो लोग बहुत कम थे। तो इसी कारण, पॉपुलेशन ज्यादा होने के कारण, ऐसे लोग जिनके अपने लैंड थे वो तो अपना काम करते ही थे, साथ के साथ बहुत सारी पॉपुलेशन ऐसी थी जो जो अपने जीवन निर्वाह के लिए एग्रीकल्चर सेक्टर पे एक ऑक्यूपेशन के तौर पर काम कर रही थी। जीवन निर्वाह करने के लिए किस पे काम कर रही थी, एक लेबर बन के फार्म लेबर के तौर पे काम कर रही थी। समझ में आया, फार्म लेबर के तौर पे काम कर रही थी, किसके यहाँ, जिनके अपने लैंड होते थे। समझ में आया, तो यानी कि वो प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं करते थे, बल्कि किस अभाव में करते थे, खाली अपना जीवन चलाने के लिए खेती करते थे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर। इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा था उस समय पे, ईव ऑफ इंडिपेंडेंस के समय पे इंफ्रास्ट्रक्चर क्या था। इंफ्रास्ट्रक्चर रेफर टू द एलिमेंट ऑफ इकोनॉमिक चेंजेस एज वेल एज एलिमेंट ऑफ सोशल चेंजेस विच सर्व एज अ फाउंडेशन फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर एक ऐसी टर्म है जिसके अंतर्गत किसी भी कंट्री के विकास और उसकी ग्रोथ को का आधार माना जाता है। ठीक है, तो उसके अंदर जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत ऐसे एलिमेंटों को रखा गया है जिसके अंतर्गत इकोनॉमिक चेंजेस यानी कि अर्थव्यवस्था का विकास या अर्थव्यवस्था में जो भी चेंजेस आए हैं उनके सभी तत्वों को रखा गया है, सामाजिक तत्वों को रखा गया है, जिससे कि किसी कंट्री के, किसी देश के, देश का विकास और उसके विकास का आधार बनता है। ठीक है, समझ में आया। डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इज प्री कंडीशन टू द इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। ठीक है, डेवलपमेंट एक ऐसी कंट्री है, डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट यानी कि जो हमारे स्ट्रक्चर ढांचे का विकास है, एक तरीके से बोला जाए इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, बिल्डिंग्स होती हैं या लैंड्स होते हैं, तो उनका विकास किस तरीके से, ये ऐसी कंडीशन थी जो पहले से ही किसी देश की इकोनॉमिक कंडीशन, प्री इकोनॉमिक कंडीशन और उसकी सोशल डेवलपमेंट को दर्शाती थी। ठीक है, इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री इंक्लूड्स ऑल द प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट रिलेट विद द पीपल एंड डिटरमाइंस द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। इकोनॉमी किसी भी कंट्री की ऐसी कंडीशन होती थी जिसके अंतर्गत प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन इकोनॉमिक एक्टिविटी आती थी जिसके थ्रू इंसान अपना जीवन निर्वाह करता था। ठीक है, ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस इंडियन इकोनॉमी वॉज एन वेरी बैड शेप ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियल रूल। ठीक है, तो जब भारत को आज़ादी मिली तो उस समय पर भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास बहुत ही बुरी कंडीशन में था, बुरी शेप में था, क्योंकि वहां पर ब्रिटिश सरकार ने अपने रूल ऐसे लगा रखे थे, ब्रिटिश सरकार ने अपनी प्रेजेंस से ऐसे कारण लगा ऐसे रूल्स लगा रखे थे जिसके कारण भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास नहीं हो पा रहा था। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, द ब्रिटिशर्स जनरली फार्म पॉलिसी दैट फेवर्ड इंग्लैंड। तो ब्रिटिशर्स ने जो भी पॉलिसीज लगाई, जितने भी अपनी मनमानी चलाई, वो किसके फेवर में चलाई, इंग्लैंड के फेवर में, ग्रेट ब्रिटेन के फेवर में लगाई। द ओनली पर्पस ऑफ ब्रिटिशर्स वॉज अनजस्टली रिचेज एंड रिच देमसेल्फ एट द कॉस्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो जो भी पर्पस होता था ब्रिटिशर्स का, उनका खाली मतलब यही था कि वो अपनी कंट्री के, इंडियन की, इंडिया की इकोनॉमिक डेवलपमेंट को खत्म करके किसी भी कॉस्ट पे कर अपने देश की इकोनॉमिक कंडीशन को ऊपर लाएं। ठीक है, अपने अपने देश की इकोनॉमी को बढ़ावा देना उन्होंने मेन मोटो रखा। दस इन 1947 व्हेन ब्रिटिशर्स ट्रांसफर्ड पावर बैक ऑफ इंडिया वी इनहेरिटेड अ क्रिपल्ड इकोनॉमी। वेरी गुड, जब 1947 में ब्रिटिश ने ट्रांसफर करी किस पे, ट्रांसफर करी पावर किसको, भारत को वापस। ठीक है, तो जितनी भी पावर्स थी भारत की, जब ब्रिटिशर्स ने 1947 में वापस भारत भारत को मिली, तो वो सारा कारण, अपंग अर्थव्यवस्था का कारण कौन था, वो ब्रिटिशर्स थे। तो भारत को वही कारण था, ब्रिटिशर्स के कारण ही वही कारण था जिसके कारण हमें आज भी बहुत, मतलब इंडिपेंडेंस के बाद एक अपंग अर्थव्यवस्था मिली, एक क्रिपल्ड इकोनॉमी मिली। समझ में आया बच्चों, चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर।
इंडिया नेशनल एंड पर कैपिटल इनकम. अंडर कॉलोनियल रूल देयर वर नो एफर्ट फ्रॉम द पार्ट ऑफ कॉलोनियल गवर्नमेंट टू मेजर द नेशनल एंड द पर कैपिटल इनकम ऑफ इंडिया. बेटा देखो, यहाँ पर ब्रिटिश रूल्स के समय पे हमें किसी भी गवर्नमेंट ने, जो ब्रिटिश सरकार थी, उसने अपनी तरफ से नेशनल और पर कैपिटल इनकम को मेजर करने के लिए कोई भी एफर्ट्स नहीं लगाए. कोई भी एफर्ट ब्रिटिश सरकार की तरफ से नहीं लगा. सम इंडिविजुअल अटेम्प्ट वर मेड फॉर मेजर सच इनकम्स बट प्रोड्यूस कॉन्फ्लिक्टिंग एंड इनकंसिस्टेंट रिजल्ट. कुछ लोग थे ऐसे जिन्होंने पर कैपिटल इनकम और इंसान की इनकम को, इंडिया की नेशनल इनकम को मेजर करने के लिए कुछ स्टेप उठाए, लेकिन रिजल्ट क्या आया कि उनका रिजल्ट कॉन्फ्लिक्ट कर गया, और कॉन्फ्लिक्ट करना मतलब ठीक नहीं आया और इनकंसिस्टेंट था, कोई प्रॉपर रिजल्ट नहीं था वो. ठीक है. द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ वी के आर बी राव, यानी कि वी के आर बी राव एक व्यक्ति थे, एंड दादा भाई नेहरूजी वर आर कंसिडर्ड वेरी सिग्निफिकेंट इन दिस टेक्स्ट. तो भारत में जो नेशनल और पर कैपिटल इनकम का बहुत बड़ा योगदान रहा वो वी के आर बी राव और दादा भाई नेहरूजी ने ही पहला स्टेप उठाया था और अपना योगदान दिया था पर कैपिटल इनकम और नेशनल इनकम को काउंट करने के लिए. फर्स्ट टाइम जो पर कैपिटल इनकम और इंडियन नेशनल इनकम को सबसे ज्यादा मेजर करने का जो अपना योगदान प्रदान कराया वो वीके राव और दादा भाई नेहरूजी ने दिया था. समझ में आया बच्चों? चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर. लो इकोनॉमिक ग्रोथ अंडर कॉलोनियल रूल, क्या कारण थे जिसके कारण ब्रिटिश सरकार के समय पे भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास बहुत निम्न स्तर पे था. ठीक है, तो उसके कारण को हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं. इंडिया हैज एन इंडिपेंडेंट इकोनॉमी बिफोर द अराइवल ऑफ ब्रिटिश रूल. भारतीय सर बच्चों, हम जानते हैं कि ब्रिटिश सरकार से पहले भी भारत की जो अर्थव्यवस्था थी वो इंडिपेंडेंट थी, यानी कि किसी पे निर्भर नहीं थी. ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था अपने आप पे निर्भर थी. बट द ब्रिटिशर्स डोमिनेट इट फॉर ओवर अ पीरियड ऑफ 200 ईयर्स. तो ब्रिटिशर्स ने आके भारत की इकोनॉमिक को डोमिनेट करा 200 साल तक, भारत पर 200 साल तक राज करा, तो 200 साल तक अपनी पॉलिसियों का मनमानी चलाई. ब्रिटिशर फार्म पॉलिसीज दैट प्रोटेक्टेड एंड प्रमोटेड द इकोनॉमिक इंटरेस्ट फॉर देयर ओन कंट्री. ब्रिटिशर्स ने ऐसी पॉलिसीज बनाई जिसके कारण वो अपने ही व्यापार को प्रोटेक्शन दे पाते थे और अपने ही इकोनॉमिक इंटरेस्ट को बढ़ाने के लिए उन्होंने ऐसी पॉलिसीज को तैयार करा जिससे कि उनकी कंट्री का फेवर हो. ठीक है, जिसमें उनकी कंट्री का फेवर हो, सबसे ज्यादा फायदा किसको मिले, उनकी कंट्री को मिले, बाकी कोई रीजन नहीं था. उन्होंने जितनी भी पॉलिसीज बनाई अपनी अपनी कंट्री के मैन्युफैक्चरर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाई और अपनी कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशंस को प्रमोट करने के लिए बनाई. ठीक है, ड्रे ट्रांसफॉर्म्ड इंडिया इनटू सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल एंड द कंज्यूमर ऑफ बिजनेस गुड्स फ्रॉम द फैक्ट्रीज ऑफ ब्रिटेन्स. समझ में आया बच्चों? रॉ मटेरियल कहाँ जाता था? एग्रीकल्चर सेक्टर से बाहर जाता था. जैसे कि मैंने बताया कि भारत से वो मटेरियल को ले जाते थे, रॉ मटेरियल को, और वहां से फिनिश गुड्स को तैयार करके कंज्यूमर ऑफ फिनिश गुड्स बना के वो ब्रिटेन की फैक्ट्रियों से यहाँ ले आते थे मार्केट में, और इस कारण इंडस्ट्रियल सेक्टर भी खत्म हो गया हमारा. ठीक है, और अपना व्यापार करा उन्होंने. सच पॉलिसीज अफेक्टेड इंडियन इकोनॉमी वेरी एडवर्सली, और यही कारण था जिसके कारण इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था को बहुत बुरा सामना करना पड़ा. इन दिस कॉन्टेक्स्ट वी विल डिस्कस द कंडीशन ऑफ सर्टेन सेक्टर दैट वर बैडली अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ कॉलोनियल रूल. और यहां से हमने देख लिया होगा, इन सारी कंडीशन से आप समझ गए होंगे इस चैप्टर में अभी तक जितना आपने समझा होगा, कि ब्रिटिश सरकार के कारण जो रीजंस थे उनकी परिस्थितियों के कारण ही भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास नहीं हो पाया. ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर. स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर क्या था? एग्रीकल्चर वॉज एंड मेन सोर्सेस ऑफ लिवलीहुड फॉर द मोस्ट ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया एंड अबाउट 80% ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन लिव्ड mostly in villages as derived livelihood directly and indirectly from the agriculture. In spite of such a large segment of the population being dependent of agriculture either directly or indirectly, this sector was facing stagnation and constant deterioration and as
इज ब्रॉट फॉरवर्ड थ्रू द फॉलोइंग पॉइंट्स। देखो जैसा कि बच्चों हम जानते हैं कि भारतीयों की जो 85% ऑफ पॉपुलेशन है, जो भारत देश की जो 85% जनसंख्या है, वो मोस्टली विलेज पे काम करती है। और विलेज में किस एक्टिविटी पे सबसे ज्यादा निर्भर है? एग्रीकल्चर सेक्टर पे निर्भर थी। किस समय? ईव ऑफ इंडिपेंडेंस के समय पे सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर सेक्टर पे डिपेंडेंट थी, 85%। ठीक है, तो सबसे ज्यादा मेन सोर्स ऑफ इनकम जो था, लिवलीहुड था, वो कौन था? एग्रीकल्चर सेक्टर। ठीक है, तो यानी कि सारा पैसा कहां से आ रहा था? एग्रीकल्चर सेक्टर से। तो यही कारण थे, क्योंकि जैसे जैसे समय का विकास होता चले गया, ब्रिटिश सरकार आ गई, तो ब्रिटिश सरकार ने अपना फायदा देखा और उन्होंने पॉलिसीज लगा के हमारे हमारे जो पॉपुलेशन की ग्रोथ थी या हमारी जितने भी एग्रीकल्चर सेक्टर की ग्रोथ थी, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में उन्होंने बहुत सारी कमियां पाई गई। क्यों कमियां हुई वो सारी? ब्रिटिश सरकार के कारण। ब्रिटिश सरकार ने ऐसी पॉलिसीज लगा दी जिसके कारण हमारा पूरा विकास, अर्थव्यवस्था का विकास स्थिर हो गया। ठीक है, और ग्रोथ बिल्कुल निम्न पड़ गई। तो पहला पॉइंट था आपका लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। जैसा मैंने पहले पॉइंट में बता चुका हूं बेटा कि लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी उतनी अच्छी नहीं हो पा रही थी, निम्न स्तर पर प्रोडक्शन हो पा रहा था। आउटपुट पर हेक्टेयर ऑफ द लैंड वॉज वेरी लो। दिस लेड टू अ लो लेवल ऑफ आउटपुट इन स्पाइट ऑफ लार्ज एरिया अंडर कल्टिवेशन। देखो लो लेवल ऑफ आउटपुट का मतलब था, लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी का मतलब था कि एक इंसान पे बहुत बड़ा लैंड होने के कारण भी उसमें लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी होती थी। क्यों होती थी? उसका रीजन था कि वहां पर डिफरेंट जो हमारे रूल्स थे, यानी कि जो ब्रिटिश सरकार ने रूल्स लगा दिए थे कि आउटपुट, एक तो पानी प्रॉपरली नहीं था, पानी सारा वो अपने फायदे के लिए यूज कर रहे थे। दूसरा जो हमारे प्रोडक्टिविटी में उन्होंने क्या लगा दिया था, एक इंसान को फंसा दिया था। किसमें? ऑनर ऑफ द टेलर, ऑनर ऑफ द लैंड में फंसा दिया था, एक रेंट देने के लिए। ठीक है, ब्रिटिश राज ने एक एग्रीमेंट कर दिया था, एग्रीमेंट में फंसा दिया था टेलर ऑफ द सॉइल के बीच में और ऑनर ऑफ द सॉइल के बीच में, उसमें लोगों को फंसा दिया था, इस कारण प्रोडक्टिविटी लो हो रही थी। सेकेंड था हाई डिग्री ऑफ वनरेबिलिटी, हाई डिग्री ऑफ वनरेबिलिटी, एग्रीकल्चर वॉज वनरेबल टू क्लाइमेट फैक्टर्स एंड मोस्टली अफेक्टेड ऑफ इरेटिक रेनफॉल्स। पुअर रेनफॉल जनरली लेड टू लो लेवल ऑफ आउटपुट, सेकेंड कारण था हाई डिग्री ऑफ वनरेबिलिटी ऑफ एग्रीकल्चर। तो देखो यहाँ पर क्या बोला गया, सेकेंड पॉइंट जो है उससे साफ साफ स्पष्ट हो गया। पहला पॉइंट मैंने आपको समझा दिया, लो लेवल प्रोडक्टिविटी इसलिए होती थी क्योंकि उसमें क्या होता था, आपका आउटपुट करने के लिए जो ऑनर ऑफ द लैंड था और आपका टिलर ऑफ द लैंड था, टिलर यानी कि जो काम कर रहा है उस खेतों पे, तो उनको एक्सप्लॉइट करा जाता था, टिलर ऑफ द लैंड को, टिलर ऑफ द सॉइल को एक्सप्लॉइट करा जाता था लैंड ओनर्स द्वारा। तो लैंड ओनर जब एक्सप्लॉइट करते थे तो उन्हें पैसा बहुत कम मिलता था, तो वो अपने मन से, पूरे मन से काम नहीं कर पाते थे और जो उनका खेत होता था लो लेवल ऑफ आउटपुट प्रोडक्शन देता था। सेकेंड पॉइंट था हाई डिग्री ऑफ हाई डिग्री ऑफ वनरेबिलिटी। हाई डिग्री ऑफ वनरेबिलिटी का मतलब था यहाँ पर कि एग्रीकल्चर सेक्टर पूरी तरीके से असुरक्षित था। कृषि प्रधान जो हमारा देश था वो पूरी तरीके से असुरक्षित था, क्योंकि भारत में या कहीं भी प्रॉपरली रेनफॉल नहीं हो पाता था, जिस कारण फसल क्या होती थी, इफेक्ट होती थी। फसल इफेक्ट होती थी तो जहां पर पुअर आउटफॉल, पुअर रेनफॉल होता था, यहाँ पर बारिश बिल्कुल नहीं होती थी, वहां पर क्रॉप्स क्या हो जाती, क्रॉप्स फेलियर हो जाता था और लो लेवल ऑफ आउटपुट देखने को मिलता था। तो इसी कारण ब्रिटिश सरकार के द्वारा कोई भी इस संबंध में एफर्ट नहीं लगाए जा रहे थे जिससे कि प्रॉपर सिंचाई हो सके खेतों की और फार्मर्स को फैसिलिटी मिल सके। उन्हें बाकी चीज से मतलब नहीं था, उन्हें खाली टैक्सेस से मतलब था, किसानों के विकास से उन्हें कोई भी मतलब नहीं था, कोई भी फैसिलिटी वो किसानों को प्रोवाइड कराने को एग्री नहीं थे, खाली उन्हें पैसा चाहिए था। ठीक है, इसी कारण हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, जितना भी पैसा कमा रहे थे वो कहाँ जा रहा था, ब्रिटिश सरकार के पास रेंट के तौर पे जा रहा था, और जो बच रहा था वो लैंड ऑनर्स किसका फायदा उठा रहे थे, सारे सॉइल टिलर का, सॉइल टिलर यानी कि टिलर ऑफ द सॉइल्स का फायदा उठा रहे थे, जो काम कर रहे थे खेतों पे, यानी कि छोटे किसान। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर।
द रीजन फॉर स्टेग्नेशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर वर, क्या क्या रीजन थे एग्रीकल्चर सेक्टर में ग्रोथ के में कमी आने के, ठीक है, स्टेग्नेशन मतलब ग्रोथ, ग्रोथ में कमी, ठीक है, यानी कि डेफिशिएंसी इन द ग्रोथ, क्या क्या रीजन थे, तो वो रीजंस को हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। पहला रीजन था लैंड रेवेन्यू सिस्टम। तो बच्चा जैसे मैंने बताया सरकार ने किसान को फंसा दिया था एक लैंड रेवेन्यू सिस्टम में, ठीक है। द ब्रिटिशर इंट्रोड्यूस द जमींदारी सिस्टम, द जमींदार वर रिकॉग्नाइज एज द परमानेंट ऑनर ऑफ द सॉइल, जमींदार वर पे अ फिक्स्ड सम ऑफ द गवर्नमेंट एंड एज अ लैंड रेवेन्यू, दे वर एब्सोल्युटली फ्री टू एक्सट्रैक्ट एज मच एज फ्रॉम द टेलर्स फ्रॉम ऑफ द सॉइल एज दे कुड, देयर मेन इंटरेस्ट वॉज रेंट कलेक्शन रिगार्डलेस ऑफ द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ कल्टिवेटर एंड दिस कॉज माइजरी एंड सोशल टेंशन अमंग द लेटर्स। अपार्ट फ्रॉम दिस देयर आर टू मोर सिस्टम, नेमली राउतवारी एंड द महलवारी वर प्रिविलेंट। तो देखो सबसे पहले जो ब्रिटिशर्स जब आ गए थे तो उन्होंने, जैसा कि मैंने बताया, उन्होंने ही जमींदारी सिस्टम को इंट्रोड्यूस करा। जमींदार जो होते थे, जमींदारों को परमानेंट ऑनर बना दिया गया सॉइल का, यानी कि लैंड का। उन्होंने क्या करा, एक लैंड लैंड को अपना मतलब लैंड जिनके थे उनको जमींदार बना दिया, जिन लोगों का लैंड होता था उनको क्या बना दिया, जमींदार बना दिया, और जमींदार को बोल दिया भैया इतना पैसा आपको अपने लैंड के अगेंस्ट रेवेन्यू के तौर पर हमें देना है, ठीक है, पर फसल के हिसाब से या पर मंथ के हिसाब से या पर साल के हिसाब से उन्होंने एक रेंट सरकार को देना है, ठीक है। तो ब्रिटिश सरकार पैसा लेती थी और वो कहते थे कि आप जितना मर्जी अपने टिलर्स का एक्सप्लॉयटेशन करिए, फार्मर्स का एक्सप्लॉयटेशन करिए, कितना भी माल निकालिए, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हमें उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, हमें खाली इंटरेस्ट है तो खाली अपने रेंट कलेक्शन से। तो ऐसे कारण से क्या होता था, वो क्या करते थे, एक्सप्लॉयटेशन करते थे टिलर्स का, और टिलर्स का जब एक्सप्लॉयटेशन होता था तो जिस कारण से माइजरी और सोशल सामाजिक टेंशन पैदा हो रही थी, जैसा कि आपने मूवी देखी होगी, अगर आपने देखी हो मदर इंडिया देखी होगी, लगान देखी होगी, तो ये क्या था, एक सोशल टेंशन पैदा कर दिया था उन्होंने। ये मूवीज एक डिपेंडेंट है ब्रिटिश सरकार के रूल्स के हिसाब से, तो ब्रिटिश सरकार ने कैसे भारत पर राज करा, ठीक है, तो इस तरीके से वो उन्होंने कंडीशंस बना दी थी और जिस कारण से उन्होंने जमींदारी सिस्टम को इंट्रोड्यूस करा। किन्होंने इंट्रोड्यूस करा जमींदारी सिस्टम को, ब्रिटिशर्स ने। उन्होंने इसके साथ साथ दो और सिस्टम्स निकाले जिसका नाम था राउतवारी और महलवारी, ठीक है, सेम जमींदार की तरह होते थे, राउतवारी और महलवारी के भी इंट्रोड्यूसर कौन है, ब्रिटिशर्स हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट था रेंट रेवेन्यू सिस्टम, सेकंड पॉइंट है आपका लैकिंग ऑफ रिसोर्सेज, बिकॉज ऑफ द टेलर हैड टू पे ह्यूज अमाउंट ऑफ रेंट रेफर्ड एज अ लगान, दे वर नॉट लेफ्ट विद एनी सरप्लस टू बी एबल टू प्रोवाइड द रिसोर्सेज नीडेड इन एग्रीकल्चर फॉर्म ऑफ फर्टिलाइजर और प्रोवाइडिंग द इरीगेशन फैसिलिटी, दिस फर्दर लोअर द एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। जाहिर सी बात है, मैंने क्या बोला था अभी, lack of resources का मतलब यहाँ पे साफ था, जाहिर सी बात है जो जमींदार थे उनको बहुत बड़ी अमाउंट में क्या देना पड़ता था, लगान देना पड़ता था, जिसके कारण उनके पास एक्स्ट्रा पैसा बचता ही नहीं था। एक्स्ट्रा पैसा बचता तो वो एग्रीकल्चर सेक्टर में लगाते, लेकिन एक्स्ट्रा पैसा बचता ही नहीं था फर्टिलाइजर को लगाने के लिए, फर्टिलाइजर या सिंचाई देने के लिए अपने खेतों को, तो वो पैसा कहाँ चले जाता था, सारा एक्स्ट्रा पैसा सारा लगान के तौर पे चले जाता था, और इसी कारण लो प्रोडक्टिविटी हो रही थी हमारे खेतों में। समझ में आया, ये रीजन था जिसके कारण हमारी लो प्रोडक्टिविटी थी लैंड्स में, ठीक है। सेकंड था, सेकंड के बाद हमारा थर्ड पॉइंट आता है यहाँ पर, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। तो जितने भी रॉ मटेरियल थे यहाँ पर उन्होंने कमर्शियलाइज कर दिया, यानी कि कृषि के सारे क्षेत्रों का कमर्शियलाइजेशन कर दिया। किसने, ब्रिटिश सरकार ने। कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर रेफर्स टू द शिफ्ट फ्रॉम कल्टीवेशन फ्रॉम सेल्फ कंजप्शन टू कल्टीवेशन फॉर द सेल इन द मार्केट। तो उन्होंने क्या करा, सेल्फ कंजप्शन के अलावा ब्रिटिश सरकार ने फसलों को खरीदना चालू करा लो कॉस्ट पे और उसे मार्केट में चीप कॉस्ट पे बेचना चालू कर दिया, ठीक है। जो फार्मर्स थे ऑब्वियसली है, जब उनका सेल्फ कंजप्शन हो जाता था तो एक्स्ट्रा माल को वो मार्केट में सेल करते थे। इट ऑल्सो रेफर्स टू द कंजप्शन ऑफ कैश क्रॉप लाइक कॉटन एंड इंडिगो, और ये रेफर करता था कि हमारे कल्टिवेशन को कैश रूप में कन्वर्ट कर देते थे वो, ठीक है, जैसे कि कॉटन और इंडिगो, इस सारे मटेरियल को वो बाहर ले जाते थे। ड्यू टू द कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर
देयर वॉज सम एविडेंस ऑफ रिलेटिवली हाई यील्ड ऑफ कैश क्रॉप्स इन सर्टेन एरिया ऑफ कंट्री बट दिस कुड नॉट हेल्प द इम्प्रूविंग द कंडीशन ऑफ इंडियन फार्मर्स। जाहिर सी बात है जब कैश क्रॉप बनने लग गई, लोग खेती करने लगे इन चीजों की, जिससे कि कैश कन्वर्ट हो जाता था लोगों का, जैसे कि कॉटन और इंडिगो, ठीक है। तो इन चीजों का जब वो फसल उगाने लगे तो देखा गया कि भारत में कई क्षेत्रों में बहुत ज्यादा हाई यील्ड ऑफ कैश क्रॉप का उत्पादन चालू हो गया। जब उत्पादन ज्यादा चालू हुआ तो उन्होंने क्या करा, इन्हें मार्केट में बेचना चालू करा। लेकिन यह भी भारत के अर्थव्यवस्था और किसान की अर्थव्यवस्था को सुधार नहीं सका, परिस्थितियों को सुधार नहीं सका। इंस्टेड ऑफ प्रोड्यूसिंग फूड क्रॉप्स, फार्मर्स वर प्रोड्यूसिंग कैश क्रॉप विच वर अल्टीमेटली टू बी यूज्ड बाय ब्रिटिश इंडस्ट्रीज। तो जाहिर सी बात है जब कैश में कन्वर्ट कर दिया सरकार ने उसे, तो लोग क्या करने लगे, जो हमारी रॉ मटेरियल्स होती थी यानी कि फूड क्रॉप्स जो होती थी उनका प्रोडक्शन लोगों ने बंद कर दिया। और लोगों ने जब फूड प्रोडक्शन बंद, फूड क्रॉप्स का प्रोडक्शन कम कर दिया तो कैश क्रॉप्स को वो उगाने लगे। तो कैश क्रॉप्स को वो किसको बेचने, कौन यूज कर रहा था, कैश क्रॉप्स को कौन खरीद रहा था, ब्रिटिश सरकार खरीद रही थी। ब्रिटिश सरकार जब कैश क्रॉप्स को खरीद रही थी तो फूड क्रॉप्स खत्म हो गई थी। तो फूड क्रॉप्स का जब प्रोडक्शन खत्म हो गया तो क्योंकि ब्रिटिश सरकार ऑलरेडी वो मटेरियल को कहां एक्सपोर्ट कर चुकी थी, अपनी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज यानी कि कहां, इंग्लैंड में, और इंग्लैंड से फूड मटेरियल फिर भारत में इंपोर्ट हो रहा था। तो ये लगा लीजिए मोस्टली जो कारण बना था कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर वो ब्रिटिश सरकार ही थी, चाहे वो लैकिंग ऑफ रिसोर्सेज हो, चाहे वो रेवेन्यू सिस्टम हो, जितने भी रिसोर्सेज थे भारत की अर्थव्यवस्था के पिछड़ेपन के कारण सब जगह वहां पर आपको ब्रिटिश सरकार ही रीजन मिलेगी। पहला रेंट ध्यान रखिए, ये पॉइंट आता है, द रीजन बिहाइंड द स्टैग्नेशन ऑफ एग्रीकल्चर, व्हाट आर द रीजन बिहाइंड द स्टैग्नेशन ऑफ एग्रीकल्चर ऑफ इंडिया ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो तीन रीजन आप लिखेंगे, लैंड रेवेन्यू सिस्टम, लैकिंग ऑफ रिसोर्सेज और कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। बच्चों चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर, स्टेट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो बेटा जैसे मैंने बताया था इंडस्ट्रियल सेक्टर का भी विकास लोगों ने नहीं होने दिया, इन लोगों ने ब्रिटिशर्स ने क्या करा, प्री ब्रिटिश पीरियड में इंडिया वर पर्टिकुलरली वेल नोन फॉर इट्स हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री इन द फील्ड ऑफ कॉटन एंड सिल्क टेक्सटाइल मेटल एंड प्रेशियस स्टोन वर्क्स एक्सेट्रा। दीज प्रोडक्ट्स एंजॉयड वर्ल्ड वाइड मार्केट बेस्ड ऑन रेपुटेशन ऑफ द फाइन क्वालिटी ऑफ मटीरियल यूज एंड अ हाई स्टैंडर्ड ऑफ क्राफ्टमैनशिप। ठीक है, तो भारत में जब ब्रिटिश शासन नहीं था, ब्रिटिश शासन से पहले भारत सबसे ज्यादा जाना जाता था अपनी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के लिए, उसमें कॉटन मटेरियल आता था, सिल्क इंडस्ट्रीज आती थी, ठीक है, मेटल एंड प्रेशियस स्टोन वर्क होते थे जो कि वर्ल्ड वाइड फेमस थे अपने फाइन क्वालिटी के लिए और अपनी हैंडीक्राफ्ट मटेरियल्स के लिए, ठीक है, उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती थी। बट द ब्रिटिशर्स फॉलोड द पॉलिसी ऑफ सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन बाय क्रिएटिंग सर्कमस्टेंसेस कंडक्टिव टू डिके ऑफ द हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज एंड नॉट टेकिंग एनी स्टेप टू प्रमोट मॉडर्न इंडस्ट्री एंड रिड्यूस टू अ मेर एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल एंड इम्पोर्टर ऑफ अ फिनिश गुड्स। लेकिन क्या हुआ, ब्रिटिश सरकार ने अपनी हमारी इंडस्ट्रीज को डी इंडस्ट्रियलाइज करने के लिए परिस्थितियां उत्पन्न कर दी जिससे कि हमारा हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री पूरी तरीके से चलन से बाहर हो जाए, डिके हो जाए, यानी कि उसका अभाव हो जाए, कोई उसे यूज ना करे, ठीक है, चलन से बाहर हो जाए। और उन्होंने इसके प्रमोशन के लिए, ना ही किसी मॉडर्न इंडस्ट्री के प्रमोशन के लिए कोई स्टेप उठाया, किसने, ब्रिटिशर्स ने। तो ब्रिटिशर्स ने पहला तो सबसे पहले डिस इंडस्ट्रियलाइज करा हम लोगों को, हमारे लिए ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न कर दी कि हमारे हस्तकार जो इंडस्ट्री थी यानी कि हस्तशिल्पकार हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी वो पूरी तरीके से खत्म हो गई, वहां बिजनेस नहीं बचा। टैक्सेस पॉलिसीज लगा दी और भी बहुत सारी पॉलिसीज लगा दी, कर सर्कमस्टेंसेस बना दिए जिस तरीके से को टोटल मिला के कि हम उस चीज का व्यापार ना कर सके और ना ही मॉडर्न इंडस्ट्रीज का विकास करा जिससे कि फर्दर स्टेप्स लिए जा सके, ठीक है। तो भारत का इसी कारण से क्या हुआ, एक्सपोर्ट क्या हो गया, खत्म होता चला गया। और भारत का जब एक्सपोर्ट खत्म हो गया हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री से तो लोगों ने क्या करा, एग्रीकल्चर सेक्टर पे आए। तो एग्रीकल्चर सेक्टर पे जब वो काम करना चालू करा तो ब्रिटिश सरकार ने क्या करा, रॉ मटेरियल को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना चालू कर दिया अपनी कंट्री में।
अब वहां इंडस्ट्रीज में उसे फिनिश गुड्स के तौर पे तैयार करवा के भारत में भेजने लगा वो। तो इस कारण टोटल मिलाकर इंडस्ट्रियल सेक्टर को खत्म कर दिया था ब्रिटिश सरकार ने। द फॉलोइंग पॉइंट्स ब्रिंग फॉरवर्ड टू द स्टेट ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो बच्चा आप लोग देखेंगे कि ये कारण थे जिनके कारण हमारी इंडस्ट्रियल सेक्टर पीछे होती चली गई, जिसका डिसेंट्रलाइज हो गया हमारे सेक्टर इंडस्ट्रियल सेक्टर का। ठीक है, चलिए देखते हैं कौन से पॉइंट थे। डिके ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। द ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री इन इंडिया एंजॉयड वर्ल्ड वाइड रेपुटेशन, बट द ब्रिटिश मिस रूल इन इंडिया लेड टू डिक्लाइन द इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। द ब्रिटिशर्स अडॉप्ट द फॉलोइंग पॉलिसी ऑफ सिस्टमेटिकली डिस्ट्रॉय द हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज। तो बेटा कौन कौन से कारण थे जिस कारण से हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को डिस्ट्रॉय कर दिया गया। तो पहला पॉइंट है यहाँ पर देखो, जितने भी हम लोग जानते थे कि हमारा जो इंडस्ट्री थी, हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी, वो वर्ल्ड वाइड रेपुटेशन फेमस थी, वर्ल्ड वाइड फेमस थी। ठीक है, लेकिन ब्रिटिश सरकार के मिस रूल के कारण, भारत में मिस रूल करने के कारण ही इन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री पूरी तरीके से डिक्लाइन हो गई पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, और भारतीय हैंडीक्राफ्ट क्या हो गए, बाहर हो गए चलन से। ठीक है, तो क्या क्या रीजन थे, कौन कौन सी पॉलिसीज अप्लाई करी ब्रिटिशर्स ने। पहली थी डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी ऑफ द स्टेट। ठीक है, तो उन्होंने क्या करा, टैरिफ पॉलिसी लगा दी। ठीक है, द ब्रिटिशर्स फॉलोड अ डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी बाय अलाउइंग टैरिफ फ्री एक्सपोर्ट ऑफ द रॉ मटेरियल फ्रॉम द इंडिया। तो ब्रिटिशर्स ने क्या करा, टैरिफ पॉलिसी अप्लाई कर दी एक्सपोर्ट करने पर, रॉ मटेरियल पर। ठीक है, अगर कोई भी रॉ मटेरियल इंडिया से बाहर भेजा जाएगा, ठीक है, तो उन्होंने टैरिफ पॉलिसी लगा दी। दूसरा, रॉ मटेरियल को फ्री एक्सपोर्ट करना चालू कर दिया। भारत में जितना भी रॉ मटेरियल होता था उसको फ्री में एक्सपोर्ट कर दिया, कहां, ब्रिटेन में। ठीक है, तो ब्रिटेन की सरकार की इंडस्ट्रीज की रॉ मटेरियल की नीड्स को पूरा करने के लिए ब्रिटेन ने भारत से सारा माल एक्सपोर्ट करना चालू कर दिया ब्रिटिशर्स के थ्रू अपने देश में। एंड अ टैरिफ फ्री इंपोर्ट फ्रॉम ब्रिटिश इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। और जो भारत में उनका जो फिनिश गुड्स होता था, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स जो होते थे, ब्रिटिश इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स होते थे, उन्हें टैक्स फ्री करके भारत में इंपोर्ट कर दिया। तो इस कारण से हमारा जो हैंडीक्राफ्ट मटेरियल था और हमारे जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट थे, वो फॉरेन कॉम्पिटिशन, फॉरेन मार्केट के आने के कारण कॉम्पिटिशन में आ गया और हमारी क्या हो गई, इंडस्ट्रियल सेक्टर खत्म होती चली गई। पहला पॉइंट समझ में आ गया होगा। दूसरा था कंपटीशन फ्रॉम मशीन मेड एंड प्रोडक्ट्स। मशीन मेड प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्रिटेन वर चीप एंड बेटर इन क्वालिटी देन द हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट। दिस कंपटीशन फोर्स मेनी हैंडीक्राफ्ट टू शट डाउन देयर बिजनेस। समझ में आ गया भैया, जो मशीन मेड प्रोडक्ट्स होते थे वो हैंडमेड प्रोडक्ट से थोड़ा सस्ते होते थे और बेटर होते थे क्वालिटी में। तो जिस कारण से मशीन का कंपटीशन हैंडीक्राफ्ट से नहीं हो पाया, हैंडीक्राफ्ट जो काम करते थे लोग, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के लोग जो थे, वो इससे थोड़ा महंगा होता था, हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट थोड़ा महंगा होता था, लेकिन मशीनों के कारण जब बनता था तो वो चीपर हो जाता था। इसी कारण हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज बंद होती चली गई। इंट्रोडक्शन टू रेलवे इन इंडिया। द ब्रिटिशर्स इंट्रोड्यूस रेलवे इन इंडिया टू एक्सपेंड द मार्केट ऑफ इट्स लो प्राइज्ड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। कॉन्सिक्वेंटली द डिमांड ऑफ द हाई प्राइज हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट स्टार्टेड टू फॉल एंड दस लीडिंग टू द डाउनफॉल ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। तीसरा, उन्होंने क्या करा, ट्रांसपोर्टेशन, ब्रिटिश सरकार ने ट्रांसपोर्टेशन कर दिया, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी को क्या करा, इंट्रोड्यूस कर दिया। ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी को इंट्रोड्यूस कैसे करा उन्होंने, रेलवे के थ्रू, रेलवे का विकास करा, रोड्स का विकास करा, जिसके थ्रू वो एक जगह से दूसरी जगह अपने प्रोडक्ट्स को आसानी से लो प्राइस में ले जा सके। जिसका कारण ये हुआ कि जो हमारे हाई प्राइस हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट थे उनकी डिमांड भी अचानक से गिरने लगी, और जब वो गिरने लगी तो इसी कारण हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज बाहर हो गई अपने चलन से। समझ में आया बच्चों, आशा है आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन होगा तो मुझसे पूछ लेंगे। चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर। स्लो ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज। जाहिर सी बात है, पहला पॉइंट था डिके ऑफ हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स, सेकंड था स्लो ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज। अंडर सेकंड हाफ ऑफ 19th सेंचुरी मॉडर्न इंडस्ट्रीज शोड स्लो ग्रोथ। दिस डेवलपमेंट वॉज कन्फाइंड
टू सेटिंग अप ऑफ कॉटन एंड जूट टेक्सटाइल मिल्स. सब्सिक्वेंटली द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज बिकम कमिंग इन बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी. इन दिस कॉन्टेक्स्ट टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को वॉज कॉर्पोरेटेड इन अगस्त 1907 इन इंडिया. इट एस्टैब्लिश्ड फर्स्ट प्लांट इन जमशेदपुर बिहार एट प्रेजेंट झारखंड. तो बेटा 19th सेंचुरी में मॉडर्न इंडस्ट्री में थोड़ी थोड़ी ग्रोथ होनी चालू हुई थी. 19th सेंचुरी जब स्टार्ट हुई थी 1901 1902 तो 19th सेंचुरी में थोड़ी थोड़ी ग्रोथ देखने को मिली थी मॉडर्न इंडस्ट्रीज में. दिस डिप्लॉयमेंट यही कारण था जिसके कारण हमारी कॉटन इंडस्ट्री और जूट टेक्सटाइल मिल जो थी थोड़ा थोड़ा काम करना चालू करा था, जिसने बिजनेस स्टार्ट करा था. धीरे धीरे आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज ने भी अपना अपना बिजनेस मार्केट में लगा दिया. ठीक है, तो आयरन और स्टील के बिजनेस में भी फैक्ट्री अपनी कंपनी लगाने लगी. पहली कंपनी थी 20th सेंचुरी इन कॉन्स्ट्रक्ट, जो 20वीं शताब्दी थी उसमें टाटा आयरन और स्टील कंपनी ने 1907 में अपनी एक फैक्ट्री लगाई टिस्को नाम से, जिसका पहला प्लांट जो लगाया गया जमशेदपुर बिहार झारखंड, एट प्रेजेंट इन झारखंड में आता है वो, उस जगह पे वहां पर उन्होंने एक इंडस्ट्री सेटअप करी 1907 में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी ने. ठीक है, द स्टेट पार्टिसिपेशन इन प्रोसेस ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइजेशन वॉज वेरी लिमिटेड एज एविडेंट फ्रॉम द फॉलोइंग पॉइंट्स. और धीरे धीरे मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइजेशन का लिमिटेशन बढ़ता चले गया, जिसके कारण ये थे, जिसके कारण नीचे दिए गए हैं, आपको मैं तीन एक्सप्लेन कर दूंगा. मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत सीमित था उस समय, क्योंकि ब्रिटिश सरकार की अपनी रूल्स एंड पॉलिसीज थी. अब क्या क्या पॉइंट्स थे जिनके कारण उनका डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा था, मॉडर्न इंडस्ट्रीज में स्लीक ग्रोथ थी, उसका कारण मैं आपको बता देता हूँ. तीन पॉइंट थे. पहला पॉइंट है लिमिटेड ग्रोथ ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस. द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस सच इज रेलवे, पावर, पोस्ट, टेलीग्राफ वर कन्फाइंड टू द एरिया विच कुड एनलार्ज द साइज ऑफ द मार्केट फॉर ब्रिटिश प्रोडक्ट इन इंडिया. जो पब्लिक सेक्टर जो थे, रेलवे, पावर, पोस्ट, टेलीग्राफ, ये सारे एरियो में ब्रिटिश प्रोडक्ट्स का मार्केट बना हुआ था. ठीक है, ब्रिटिश प्रोडक्ट्स का साइज बढ़ा दिया था. देखो, जिसके कारण ब्रिटिश प्रोडक्ट को पूरे वर्ल्ड में, पूरे इंडिया में फैला दिया गया था. कौन कौन से कारण थे? पहला था आपका रेलवे, पावर, पोस्ट एंड टेलीग्राफ. टेलीग्राफ के ये जो टेक्नोलॉजी लाई गई, इनसे इन्होंने अपने बिजनेस को बढ़ाया. ठीक है, सेकंड था आपका लूप साइडेड इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर. लूप साइडेड इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर का मतलब है द इंडस्ट्रियल ग्रोथ वॉज लूप साइडेड इन द सेंस द कंज्यूमर गुड इंडस्ट्रीज वॉज नॉट एडिक्वेटली सपोर्टेड बाय द कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज. ठीक है, जाहिर सी बात है, जो कैपिटल गुड्स नीडेड होती थी किसी भी चीज, किसी कंपनी को सेटअप करने के लिए, किसी भी इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए, वो भारत में अवेलेबल नहीं थी, वो पर्याप्त साधन उपलब्ध नहीं थे. तो कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज को लगाने के लिए जो चीजों की आवश्यकता पड़ती थी, वो कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज भारत में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं थे, जिस कारण इंडस्ट्रीज का विकास नहीं हो पा रहा था. थर्ड पॉइंट है आपका लैक ऑफ बेसिक एंड द हैवी इंडस्ट्रीज. और जो हमारे यहाँ बेसिक इंडस्ट्री थी वो तो थी नहीं. नो प्रायोरिटी वॉज गिवन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ बेसिक एंड हैवी इंडस्ट्रीज. टाटा आयरन एंड स्टील मिल वॉज ही ओनली बेसिक इंडस्ट्रीज इन इंडिया. देखो, कोई भी किसी भी प्रकार की कोई प्रायोरिटी नहीं थी, कोई हैवी इंडस्ट्रीज नहीं लगाने दी जा रही थी, ना ही कोई बेसिक इंडस्ट्रीज को सेटअप करने दिया जा रहा था ब्रिटिश शासन में. ओनली एक टाटा आयरन और स्टील मिल थी जो उस समय से चलती आ रही है, और बेसिक इंडस्ट्रीज थी जिनके पास. समझ में आया बच्चों? तो तीन पॉइंट है स्लो ग्रोथ के. पहला था लिमिटेड ग्रोथ थी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस की. पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को बढ़ने ही नहीं दिया जा रहा था, क्योंकि ब्रिटिशर्स के प्रोडक्ट्स को वहां पर प्रचार किया जा रहा था. दूसरा था लूप साइडेड इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर. जो लूप साइडेड इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर था, यानी कि उनको कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज की तरफ से सपोर्ट नहीं मिल रहे थे, साधन नहीं थे जिस कारण कंज्यूमर गुड इंडस्ट्रीज सेटअप हो सके. थर्ड था आपका, या उनका विकास हो सके. थर्ड पॉइंट है आपका लैक ऑफ बिजनेस एंड हैवी इंडस्ट्रीज. हैवी इंडस्ट्रीज और बेसिक इंडस्ट्रीज का अभाव था यहाँ पर. समझ में आया? चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर. टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज इन बंगाल. टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज इन बंगाल, तो देखो यहाँ पर बंगाल में जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज लगाई गई वो क्या थी? मुस्लिन इज एन टाइप ऑफ कॉटन टेक्सटाइल विच हैड
its origin in Bengal, particularly places in around Dhaka, now the capital city of Bangladesh. The Kai muslin has gained worldwide fame as a exquisite type of cotton textile. तो जो एक textile mill थी जिसका नाम था muslin, वो कहाँ लगाई गई थी? बंगाल में लगाई गई. आज की डेट में वो कहाँ पर सिचुएटेड है? ढाका में, जो आज की कैपिटल है. किसकी? बांग्लादेश की कैपिटल है. डकाई मुस्लिन गेन अ वर्ल्ड वाइड फेम. डकाई मुस्लिन जो इंडस्ट्रीज थी उसने क्या करा? अपना वर्ल्ड वाइड फेम, अपना स्थान बनाया कॉटन इंडस्ट्रीज के उसमें. ठीक है, कॉटन प्रोडक्ट के उसमें. द फाइनेस्ट वेराइटी ऑफ मुस्लिन वॉज कॉल्ड मलमल. और जो वेराइटी होती थी मुस्लिन की, वो सबसे ज्यादा फाइनेस्ट थी, उसका नाम था मलमल. ठीक है, मलमल का नाम आपने सुना होगा, मलमल फैब्रिक जो आता है वो सबसे ज्यादा फेमस इंडस्ट्रीज थी उस समय. वो मुस्लिन फैब्रिक इंडस्ट्रीज का सबसे ज्यादा फेमस प्रोडक्ट था. फॉरेन ट्रैवलर आल्सो यूज्ड टू रेफर इट्स मलमल साही एंड मलमल खास, मीनिंग दैट इट वॉज वॉर्न बाय फिट फॉर एंड रॉयल्टी. ठीक है, तो जो सबसे ज्यादा मुस्लिन की जो क्वालिटी होती थी फैब्रिक की, सबसे बढ़िया क्वालिटी, उसे कहा गया मलमल. और मलमल क्या होती थी? फॉरेन जितने भी ट्रैवलर्स होते थे या जितने भी रॉयल फैमिलीज होती थी, जितने भी यहाँ पर ब्रिटिशर्स आए जिन्होंने भारत में ट्रैवल करा, उन्होंने मलमल खास और मलमल शाही को पहनना चालू कर दिया, क्योंकि उसकी क्वालिटी इतनी प्यारी थी, क्वालिटी बहुत अच्छी थी. ठीक है, चलिए बढ़ते हैं थोड़ा आगे. स्टेट ऑफ फॉरेन ट्रेड. अब आ जाते हैं बेटा एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड और स्टेट ऑफ फॉरेन ट्रेड पे. इंडिया हैज बीन एन इंपोर्टेड अ ट्रेडिंग नेशन सिंस एंशियंट टाइम, बट व्हेन द रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसी ऑफ कमोडिटी प्रोडक्शन ट्रेड एंड टैरिफ वर इम्पोज्ड बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट, इट्स एडवर्सली अफेक्टेड द स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन वॉल्यूम ऑफ इंडियन फॉरेन ट्रेड. फॉलोइंग वर द रीजन बिहाइंड द पुअर ग्रोथ ऑफ फॉरेन ट्रेड. तो जाहिर सी बात है बच्चों, मैंने पहले भी समझा दिया, अब आपको समझ में आ गया होगा कि पहले भारत का बहुत अच्छा स्थान था प्राचीन काल के समय में एक्सपोर्ट ऑफ फॉरेन ट्रेड के मामले में, क्योंकि भारत क्या करता था? एक्सपोर्ट करता था अपने में हैंडीक्राफ्ट मटेरियल्स को, और सबसे ज्यादा वर्ल्ड वाइड फेमस था उस चीज के लिए. ठीक है, लेकिन जैसे जैसे ब्रिटिश सरकार आ गई और कॉलोनियल गवर्नमेंट आ गई, उसने क्या करा? अपने टैरिफ पॉलिसीज और अपने कमोडिटी प्रोडक्शन पे अपनी रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज लगा दी, जिसके कारण फॉरेन ट्रेड करना मुश्किल हो गया. ठीक है, और ये रीजन थे जिनके कारण फॉरेन ट्रेड का विकास होना बहुत ही मुश्किल हो गया था. ठीक है, तो कौन कौन से रीजंस थे उनके बारे में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं. चलिए, पहला पॉइंट है आपका एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स. जाहिर सी बात है ब्रिटिश सरकार ने क्या करा, हमारे रॉ मटेरियल और प्राइमरी प्रोडक्ट्स को खरीद के अपने पास से अपने यहाँ एक्सपोर्ट कर लिया, यानी कि कॉटन, सिल्क, रॉ मटेरियल, वुल, शुगर, जूट, ये सारे जितने भी जो रॉ मटेरियल होते थे ये सब क्या कर देता था? एक्सपोर्ट कर देती थी ब्रिटिश सरकार, और उसे फिनिश गुड्स के तौर पर, कॉटन, सिल्क और वुलन क्लोथ्स के तौर पर, और उसे कहाँ ले आती थी? भारत में ले आती थी. कहाँ प्रोडक्शन होता था? ब्रिटेन की फैक्ट्रीज में. तो ब्रिटेन की फैक्ट्री से मटेरियल तैयार होकर भारत में आ जाता था. समझ में आया? ठीक है, सेकंड पॉइंट है आपका ब्रिटेन मोनोपोली कंट्रोल. ब्रिटेन मेंटेन अ मोनोपोली कंट्रोल ओवर इंडिया एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट. ड्यू टू दिस मोर देन हाफ ऑफ इंडिया फॉरेन ट्रेड वॉज रिस्ट्रिक्टेड टू द ब्रिटेन, वाइल द रेस्ट वॉज अलाउड विद अ फ्यू अदर कंट्रीज लाइक चाइना, साइलॉन, पर्सिया. द ओपनिंग ऑफ शूज कनाल ऑफ 1869 फर्दर इंटेंसिफाइड ब्रिटिश कंट्रोल ओवर इंडियन फॉरेन ट्रेड. देखो ब्रिटेन ने क्या करा, अपनी मोनोपोली कंट्रोल को बनाए रखा. मोनोपोली कंट्रोल मतलब अपना ही वर्चस्व बनाए रखा. उसने किसी को भी इंडियन एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को हैंडल करने नहीं दिया. उसने सिर्फ अपना मतलब निकालने के लिए, अपना कंट्रोल बनाने के लिए इंडियन एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पर क्या करी, पॉलिसीज को अप्लाइड करा. ड्यू टू दिस इसके कारण क्या हुआ, इंडियाज फॉरेन ट्रेड, भारत ही क्या, ब्रिटेन ही क्या, बहुत सारी कंट्रीज में क्या हो गया, बैन हो गया. ठीक है, कुछ ही कंट्री थी जिसमें भारत एक्सपोर्ट कर सकता था. ठीक है, कुछ ही कंट्री थी जिसमें एक्सपोर्ट करता था, जैसे चाइना, साइलॉन, पर्सिया, भारत एक्सपोर्ट कर पाता था. ठीक है, तो चाइना को एक्सपोर्ट कर सकता था, साइलॉन को यानी कि श्रीलंका को एक्सपोर्ट कर सकता था, पर्सिया यानी कि ईरान को एक्सपोर्ट कर सकता था भारत माल, लेकिन बाकी किसी भी कंट्रीज में फॉरेन ट्रेड की अनुमति नहीं थी. ठीक है, द
ओपनिंग ऑफ स्यूज कनाल इन 1869 फर्दर इंटेंसिव ब्रिटिश कंट्रोल ओवर द इंडियन फॉरेन ट्रेड। और धीरे धीरे जो समय के साथ साथ स्यूज कनाल जो 1869 में खोला गया था उसने पूरे भारतीय व्यापार पर अपना कंट्रोल बना लिया था। 1969 स्यूज कनाल जब खुला तो उसने अपना पूरा कंट्रोल किस पे कर दिया, इंडियन फॉरेन ट्रेड पे कर दिया। ड्रेन ऑफ इंडियाज वेल्थ, बेटा ये पॉइंट मैं पहले भी समझा चुका हूं लेकिन फिर भी देख लीजिए आपको समझ में आ जाएगा। एन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉरेन ट्रेड थ्रू आउट द कॉलोनियल पीरियड वाज द जनरेशन ऑफ अ लार्ज एक्सपोर्ट सरप्लस, बट दिस सरप्लस केम एट द ह्यूज कॉस्ट ऑफ कंट्रीज इकोनॉमिक। सर्वल एसेंशियल कमोडिटी लाइक फूड ग्रेन्स केरोसिन वर स्केर्सली अवेलेबल इन डोमेस्टिक मार्केट। ऑल्सो दिस सरप्लस वॉज नॉट यूज इन एनी डेवलपमेंटल एक्टिविटी ऑफ इंडिया, रेदर इट वॉज यूज टू मेंटेन द एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप ऑफ ब्रिटिशर्स एंड बेयर द एक्सपेंसिस ऑफ वॉर थॉट बाय ब्रिटेन्स। ऑल ऑफ दिस लेड ऑफ द ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ। तो भारत में जितना भी पैसा था बच्चों, जितना भी सरप्लस होता था, जितनी भी जनरेशन होती थी, ब्रिटिश सरकार जितना भी एक्स्ट्रा पैसा एक्सट्रैक्ट करती थी, जो सरप्लस होता था उसको भारत की इकोनॉमिक कंडीशंस को सुधारने में नहीं लगाता था बल्कि ऐसी कंडीशंस में लगाता था जिससे उसका अपना फायदा होता था, ठीक है। और जो फॉरेन ट्रेड की कंडीशंस होती थी उसमें उसने जो भी सरप्लस कमाया वो अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए लगाया, फार्मर्स के लिए नहीं सोचा, खाली कुछ फूड ग्रेन्स केरोसिन्स के को मार्केट में अवेलेबल करता था जिससे कि भारतीय खाना खा सकें और अपना जीवन निर्वाह कर सकें, बाकी किसी भी तरीके का भारत में खर्चा किसी भी तरीके का डेवलपमेंट पे नहीं किया गया, किसी भी तरीके के विकास पे कोई खर्चा नहीं किया गया। जितना भी पैसा खर्च करा गया ब्रिटिशर्स द्वारा वो अपने एडमिनिस्ट्रेटिव को सेटअप करने में और अपनी पॉलिसीज को मनवाने के लिए किया गया, ठीक है। तो ये हो गए आपके तीन पॉइंट जिस कारण हमारे ब्रिटिशर्स ने राज करा और हमारी किसको टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को खत्म करा और भारत की इकोनॉमिक इंडस्ट्रीज को खत्म कर दिया, बिल्कुल फॉरेन ट्रेड में बिल्कुल बिजनेस को खत्म कर दिया, ठीक है बच्चों। चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर। स्टेट ऑफ ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, तो बेटा जैसे मैंने बताया था स्टेट ऑफ ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर यानी कि पेशे की क्या स्थिति थी, तो लोग जीवन निर्वाह करने के लिए 70-75% मोर देन 85% पीपल आर रिलेटिव टू द एग्रीकल्चर सेक्टर। सभी जानते हैं कि लोग कॉलोनियल पीरियड पे यानी कि ब्रिटिश सरकार के समय पे भारत का जो पेशा होता था वो लोगों के जीवन निर्वाह तक ही सीमित था और इसी कारण भारत अपनी अर्थव्यवस्था में बहुत पीछे रहा, पिछड़ापन रहा, ठीक है। द एग्रीकल्चर सेक्टर अकाउंटेड फॉर द लार्जेस्ट शेयर ऑफ द वर्क फोर्स विच रिमेन्ड एट द हाई ऑफ 70-75% ऑफ वर्क फोर्स एंड द मैनुफैक्चरिंग एंड द सर्विसेज सेक्टर अकाउंटेड फॉर द 10% and 15-20% रिस्पेक्टिवली। तो देखो हमने जैसे बोला था हमारे भारत में जो एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर था वो 75 से लेकर 85 के बीच तक लोग किस में थे, एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़े हुए थे और 10 से 15 या 20 रेस्पेक्टिवली हर साल के हिसाब से वो किस पे जुड़े हुए थे, सर्विस सेक्टर से जुड़े हुए लोग थे या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से जुड़े हुए लोग थे, ठीक है। तो जो अपना जीवन निर्वाह करने के लिए 75-85% लोग ऐसे थे जो एग्रीकल्चर सेक्टर पे डिपेंडेंट थे, लेकिन 10 से 15 और 20% के लोग ऐसे थे जो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस यूनिट से अपना जीवन निर्वाह कर रहे थे। देयर एक्जिस्टिंग अ ग्रोइंग रीजनल डिस्पैरिटी with a few states such as Orissa, Rajasthan, Punjab witnesses as an increase of agriculture workforce while the states which were parts of Madhya Pradesh, Madras Presidency, Bombay and Bengal witness a decline in the percentage of workforce dependent on agriculture. तो देखो कुछ स्टेट पर बहुत ज़्यादा लोग एग्रीकल्चर सेक्टर पर काम करते थे, जैसे आपने देखा होगा डिसपैरिटी मिलती थी यानी कि सेम नहीं थे, हर जगह की परसेंटेज अलग अलग थी रीजनल क्षेत्रों के हिसाब से, ठीक है। पहला था उड़ीसा, राजस्थान, पंजाब, तो वहां पर आपने देखा होगा कि वहां पर बहुत ज्यादा खेती की जाती थी, बहुत ज्यादा वर्कफोर्स से काम कराया जाता था, ठीक है।
लेकिन अगर हम बात करते हैं बॉम्बे बंगाल की, तो ये खाली बहुत लिमिटेड लोग जो यहाँ पर थे, वो परसेंटेज बहुत ही लिमिटेड लोगों का परसेंटेज था जो एग्रीकल्चर सेक्टर पे डिपेंडेंट थे, जैसे कि बॉम्बे और बंगाल। बॉम्बे और बंगाल के लोग ज्यादा से ज्यादा वर्क फोर्स पे काम करते थे, ना कि आपके एग्रीकल्चर सेक्टर के वर्क फोर्स पे। वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर यूनिट से होते थे या सर्विस सेक्टर यूनिट से होते थे, लेकिन जो मोस्टली भारत की जो क्षेत्र थे वो सारे फोर्स करे जाते थे एग्रीकल्चर सेक्टर पे काम करने के लिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर। तो बच्चों, स्टेट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ सच इंडस्ट्रीज विच हेल्प इन ग्रोथ ऑफ अदर इंडस्ट्रीज अंडर द कॉलोनियल पीरियड, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज रेलवे, पोर्ट एंड ट्रांसपोर्ट, पोस्ट एंड टेलीग्राफ डेवलप्ड। हाउएवर द रियल मोटिव बिहाइंड द डेवलपमेंट वॉज नॉट द प्रोवाइड बेसिक एमिनिटीज टू द पीपल बट सर्व वेरियस कॉलोनियल इंटरेस्ट। द स्टेट ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर अंडर द कॉलोनियल रूल कैन बी अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग पॉइंट्स। बच्चा, जैसे मैंने अभी बताया था कि इंफ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत बाकी अन्य सभी इंडस्ट्रियों से जुड़ी मदद और उसकी ग्रोथ को लिया जाता है। ठीक है, तो अंडर द कॉलोनियल पीरियड यानी कि ब्रिटिश शासन के समय पे जो बेसिक इंडस्ट्रीज थी, भारत का जितना भी पैसा था, ब्रिटिश सरकार ने रेलवे, पोर्ट्स और पोस्ट एंड टेलीग्राफ आदि को डेवलप करने में लगा दिया था। क्यों लगाया था? रोड्स, ट्रांसपोर्टेशन, पोर्ट्स आपके और आपके रेलवेज का विकास सबसे ज्यादा किया गया। वो इसलिए किया गया क्योंकि उसके पीछे उनका अपना मतलब निहित था। उनके अपना मतलब क्या निहित था? कि भाई उनका उनका सामान एक जगह से दूसरी जगह मूव हो सके और पूरे भारत में उनका बिजनेस फैल सके। ठीक है, तो फॉलोइंग आर द रीजंस, जो रीजंस हैं आपके जिस कारण उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करा। पहला था रोड्स। रोड्स क्यों डेवलप करी? रोड कंस्ट्रक्टेड बिफोर इंडिपेंडेंस वर नॉट फिट द मॉडर्न ट्रांसपोर्ट, इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू रीच रूरल एरिया ड्यूरिंग रेनी सीजन। द रोड वॉज बिल्ट ओनली टू सर्व पर्पज ऑफ मोबिलाइजिंग द आर्मी विद इन द इंडिया एंड द ट्रांसपोर्टिंग रॉ मटीरियल फ्रॉम द कंट्री साइड टू द नियरेस्ट रेलवे स्टेशन और द पोर्ट फॉर एक्सपोर्टिंग इट। तो सिंपल सी बात है, रोड इसलिए डेवलप्ड करी गई बिफोर द इंडिपेंडेंस। जो हमारा ब्रिटिश सरकार ने रोड इसलिए डेवलप करी क्योंकि ये मॉडर्न ट्रांसपोर्टेशन का साधन नहीं था, इसलिए नहीं करी उन्होंने डेवलप्ड, बल्कि उन्होंने अपना मतलब सिद्ध करने के लिए, जो उनका अपना मतलब था वो था कि जहां पर बारिश के समय में ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं जाया जा सकता था, वहां के लिए उन्होंने रोड बिल्ड करना चालू करा। और रोड बिल्ड करने का मेन मोटो ये था कि वो अपनी आर्मी को कहीं भी आसानी से भारत में एक जगह से दूसरे स्थान पर भेज सके। ठीक है, दूसरा ट्रांसपोर्टिंग कर सके रॉ मटेरियल का कंट्री के नियरेस्ट रेलवे स्टेशन पर, ताकि उन्हें एक्सपोर्ट किया जा सके, रेलवे स्टेशन या पोर्ट्स पर उन्हें एक्सपोर्ट ट्रांसपोर्टेट कर ट्रांसपोर्ट करके एक जगह से दूसरी जगह भेज सके, ताकि वो माल जो रॉ मटेरियल था या जो हमारा प्राइमरी प्रोडक्ट्स था उनको भारत से बाहर भेजा जा सके, एक्सपोर्ट करा जा सके। समझ में आया? रेलवे क्यों डेवलप करी? ब्रिटिश रूलर्स इंट्रोड्यूस रेलवे इन इंडिया 1850। इट बिगन्स इट ऑपरेशन इन 1853। इट इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्रिटिशर्स। द इंडियन रेलवे इफेक्टेड द स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमी इन द फॉलोइंग टू वे। देखो, ब्रिटिशर्स ने खाली एक फायदा करा भारत का, वो क्या था? वो ये था कि 1850 में उन्होंने रेलवे का, इंडियन रेलवे का स्थापन करा, इंट्रोड्यूस करी उन्होंने भारत में 1850 में रेल को। ठीक है, रेल ट्रांसपोर्टेशन को, तो रेलवे का डेवलपमेंट करा उन्होंने, जो कि ऑपरेशन में आई 1853 से। क्यों डेवलप करा? ताकि उनका सामान एक जगह से दूसरी जगह जा सके और उनके लोग लॉन्ग डिस्टेंस पे आसानी से जल्दी से ट्रेवल कर सके और कोई भी बैरियर्स उनके सामने ना आ सके। ठीक है, तो उसके दो कारण थे जिस कारण उन्होंने इंडियन रेलवे स्ट्रक्चर को चेंज करा। किन्होंने? ब्रिटिशर्स ने। तो ब्रिटिशर्स ने क्या क्या रीजन थे जिसके कारण उन्होंने रेलवे को डेवलप करा? इट इनेबल्स पीपल टू अंडरटेक लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल, देयर बाय अ ब्रेक जियोग्राफिकल एंड कल्चरल बैरियर्स। जैसा मैंने बताया, सांस्कृतिक और आपके ज्योग्राफिक यानी कि क्षेत्रीय
बैरियर्स को, रिस्ट्रिक्शंस को तोड़कर उन्होंने लोगों को एक जगह से दूसरी जगह, जहां दूर स्थान पर ट्रेवल करने के लिए किसका विकास करा, रेलवे ट्रांसपोर्टेशन का विकास करा, ताकि उनका सामान एक जगह से दूसरी जगह जा सके, उनके लोग एक जगह से दूसरी जगह आसानी से मोबिलाइज हो सके, ठीक है। सेकेंड था, इट फॉस्टर्ड कमर्शलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर विद एडवर्सली इफेक्टेड द सेल्फ सफिशियंसी ऑफ विलेज इकोनॉमी इन इंडिया। दूसरी चीज थी उनके इंडियन एग्रीकल्चर का कमर्शलाइजेशन करना, ठीक है। तो वो क्या करते थे, फोर्सली इंडियन एग्रीकल्चर को क्या करते थे, कमर्शलाइज करते थे, और गांव में उनके सेल्फ सफिशियंसी के लिए ही रॉ मटेरियल छोड़ते थे। सो द सोशल बेनिफिट प्रोवाइडेड द रेलवे वॉज आउटवेट बाय द कंट्री हूज इकोनॉमिक लॉस, और उनके अपने प्रॉफिट के लिए इंडियन रेलवे को जो लाया गया उससे कंट्री की इकोनॉमिक को, यानी कि अर्थव्यवस्था को, देशी अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान हुआ, ठीक है। चलिए, ये तो था हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर। चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की ओर, वाटर एंड एयर ट्रांसपोर्ट। उन्होंने वाटर और एयर ट्रांसपोर्ट यानी कि पोर्ट्स को और एयरपोर्ट्स को डेवलप करना चालू करा। द कॉलोनियल रूल टुक मेजर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द वाटर ट्रांसपोर्ट। द इनलैंड वाटरवे एट टाइम ऑल्सो प्रूव्ड अनइकोनॉमिकल एज द केस ऑफ कोस्ट कैनाल और द ओरिसा कोस्ट। द मेन पर्पज बिहाइंड दियर डेवलपमेंट वॉज सर्व ब्रिटेन कॉलोनियल इंटरेस्ट। द कॉलोनियल गवर्नमेंट ऑल्सो शोड वेज टू द एयर ट्रांसपोर्ट इन 1932 बाय एस्टेब्लिशिंग टाटा एयरलाइंस। दस इन दिस वे द इनोग्रेटेड द एविएशन सेक्टर इन इंडिया। तो देखो बेटो, ब्रिटिशर्स ने हर चीज अपने फायदे के लिए करी। अगर ट्रेन का विकास करा तो अपने फायदे के लिए करा, पोर्ट्स का विकास करा तो अपने फायदे के लिए। पोर्ट्स का विकास इसलिए करा ताकि वो रॉ मटेरियल्स को एक जगह से दूसरी जगह क्या कर सके, ट्रांसपोर्ट कर सके, ठीक है। यानी कि हमारे मटेरियल को, रॉ मटेरियल को यहां से कहां ले जाते थे, एयरलाइन के जरिए या आपके वाटर ट्रांसपोर्ट के जरिए, यानी कि पोर्ट्स के जरिए वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर देते थे या ले जाते थे, और अपने इंपोर्ट वाले मटेरियल को वो एक जगह से दूसरी जगह मोबिलाइज करते थे। इसीलिए उन्होंने सबसे ज्यादा अनइकोनॉमिकल कंडीशन में भी हमारे उड़ीसा कोस्ट का सबसे ज्यादा विकास करा। उड़ीसा से ही माल सब जगह ट्रेवल होता था पूरी इंडिया में, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे विकास के साथ साथ ब्रिटिशर्स ने अपने इंटरेस्ट के लिए पहली एयरलाइन इंट्रोड्यूस करी 1932 में टाटा एयरलाइंस के नाम से, ठीक है। और ये पहली बार ऐसा था 1932 में जब एयरलाइन सेक्टर में भारत में विकास हुआ था और एयरलाइन सेक्टर भारत में आया था। 1932 टाटा एयरलाइंस लाया था और उसको चलाने की परमिशन किसने दी थी, ब्रिटिश ने, ब्रिटिश सरकार ने, ठीक है। इसके बाद कम्युनिकेशन का डेवलपमेंट करा। तो जितनी भी वेल्थ होती थी वो चार चीजों पर सबसे ज्यादा वेस्ट करी गई। सबसे पहले ब्रिटिश सरकार ने क्या करा, पॉलिसीज को लगाया। पॉलिसीज से जो पैसा आता था वो सारे पैसे को वो कहां करते थे, वो सारे पैसे को रोड्स के ट्रांसपोर्टेशन में, रेलवे पे, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, अपने बातों को मनवाने के लिए, ठीक है, वाटर ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन को बढ़ावा देने के लिए करा, जिससे कि उसका अपना मतलब सिद्ध हो सके, ठीक है। तो कम्युनिकेशन, मॉडर्न पोस्टल सिस्टम स्टार्टेड इन इंडिया इन 1837। द फर्स्ट टेलीग्राफी लाइन वॉज ओपन्ड इन 1857। द इंट्रोडक्शन ऑफ द एक्सपेंसिव सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रिक टेलीग्राम इन इंडिया सर्व द पर्पस ऑफ मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर। सुनो, तो यहां पर आपको समझ में आ गया होगा, संचार व्यवस्था का धीरे धीरे विकास करा, मॉडर्न पोस्टल सिस्टम को स्टार्ट करा ब्रिटिश सरकार ने 1837 में भारत में, 1837 में ब्रिटिश सरकार ने पोस्टल सिस्टम को स्टार्ट करा। फिर उसके बाद 1857 में पहली बार टेलीग्राफी लाइन का स्टार्ट हुआ। टेलीग्राफी लाइन लाने का मतलब, जो इलेक्ट्रिक टेलीग्राम था वो सबसे महंगा साधन था कम्युनिकेशन का, उसको लाने का मतलब था उनको अपने भारत में अपने लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। ब्रिटिश सरकार ने अपने लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए पहला इलेक्ट्रिक और सबसे महंगा कम्युनिकेशन सिस्टम को भारत में लाया थी टेलीग्राफ द्वारा, जिसे 1857 में इंट्रोड्यूस करा गया। समझ में आया बात। चलिए इसके बाद बढ़ते हैं डेमोग्राफिक कंडीशन। डेमोग्राफिक कंडीशन ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, वेरियस डिटेल अबाउट द पॉपुलेशन ऑफ
ब्रिटिश इंडिया वर फर्स्ट कलेक्टेड थ्रू अ सेंसस ऑफ इन 1881 बिफोर 1921 इंडिया वाज इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन द सेकंड स्टेज बिगन आफ्टर 1921 हाउएवर नेदर द टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया और नॉर द रेट ऑफ द पॉपुलेशन ग्रोथ एट दिस स्टेज वाज वेरी हाई थ्रू सफरिंग फ्रॉम सर्टेन लिमिटेशन इट रिवील्ड द unevenness in India's population growth. The population grew at the rate of 1.2% up to the year 1951. तो देखो जो यहाँ पर था ब्रिटिश सरकार ने क्या करा जो एक आंकड़े कलेक्ट करे जनसंख्या के वो 1881 में पहली बार करे थे 1881 में फर्स्ट टाइम द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन कलेक्ट द इंडियन पॉपुलेशन सेंसस ठीक है यानी कि उन्होंने आंकड़े कलेक्ट करे 1881 में जनसंख्या के बिफोर 1921 पहली स्टेज थी जो कि डेमोग्राफिक ट्रांजिशन चेंज हुआ था 1921 से पहले की जो स्टेज थी वो पहली स्टेज थी जिसमें डेमोग्राफिक चेंजेस किए गए डेमोग्राफिक यानी कि जगह को चेंज करा गया सेकंड जो चेंजेस हुए आफ्टर 1921 हुए बेटा ठीक है जिसमें देखा गया ना तो कोई टोटल पॉपुलेशन की ग्रोथ हुई ना ही उसके रेट ऑफ पॉपुलेशन में कोई ग्रोथ थी ठीक है कोई ज्यादा बहुत बड़ी चेंजेस नहीं आए थे दो सफरिंग फ्रॉम द सर्टेन लिमिटेशन जिसके साथ ही कुछ क्या थी सीमाएं भी थी और इसने ये दर्शाया कि इंडियन पॉपुलेशन का जो ग्रोथ हो रहा है वो अनइवननेस के थ्रू हो रहा है अनइवननेस मतलब कोई समानांतर विकास नहीं हो रहा है पॉपुलेशन का द पॉपुलेशन ग्रू जो पॉपुलेशन ग्रू हो रही है वो कितने रेट तक अब ग्रू हो रही है 1.2% एक ईयर में बढ़ रही है 1951 में ठीक है 1951 के अकॉर्डिंग जो पॉपुलेशन रेट था वो 1.2 अप हो रहा था हर साल ठीक है तो ये था आपका डेमोग्राफिक कंडीशन के चेंजेस ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस ठीक है तो अब चलते हैं बच्चों मेरे हिसाब से ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस द डेमोग्राफिक कंडीशन वाज एज फॉलोज डेमोग्राफिक कंडीशन भारत की ये थी द ओवरऑल लिटरेसी लेवल वाज लेस देन 16% यानी कि लिटरेसी लेवल यानी कि शिक्षा का स्तर जो था वो 16% था यानी कि शिक्षा का जो रेट था लिटरेसी लेवल रेट जो था लिटरेसी रेट जो था वो 16% था ईव ऑफ इंडिपेंडेंस 1947 के समय पे द फीमेल लिटरेसी लेवल वाज नेग्लिजिबल लो रेट ऑफ अबाउट 7% यानी कि जो औरतें उस समय लिटरेट होती थी पढ़ाई लिखाई करती थी वो नाम मात्र का था उनका रेट कितना था 7% टोटल पॉपुलेशन के 7% महिलाएं क्या थी पढ़ी लिखी थी पब्लिक हेल्थ फैसिलिटेट वर एदर available to the large chunks of population and or when available were highly inadequate. Infant mortality was 218 per thousand in the contrast to present infant mortality rate of 63 per thousand. ठीक है तो public health facility भी बहुत ज़्यादा available नहीं थी उस समय पर्याप्त नहीं थी infant mortality rate जो कि उस समय होता था 218 per thousand पर जो आज की डेट में कितना है 63 per 1000 पर है प्रेजेंट मॉर्टेलिटी रेट जो है 63 है और जो उस समय ईव ऑफ इंडिपेंडेंस के समय पे इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट होता था वो था 218 यानी कि 218 per 1000 यानी कि 1000 पे 218 इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट लोग मर रहे थे नेक्स्ट था आपका Life expectancy was low 44 year in contrast of present 16 year. जो life का एक expect ratio था कि कितने समय तक इंसान जिएगा वो 44 साल से बढ़कर आज की date में कितना हो गया है 66 year हो गया है यानी कि 66 years हो गया है ठीक है Both birth rate and death rate were very high at the rate of 48 and 40 per thousand of person respectively. जो बर्थ रेट था वो 48 पर 1000 पे था यानी कि 1000 पे 48 बच्चे पैदा हो रहे थे और डेथ रेट जो था 40 था कितने पे 1000 पीपल पे तो ये लगा लीजिए ये आपके कुछ आंकड़े हैं डेमोग्राफिक कंडीशंस के ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस लिटरेसी लेवल 16% टोटल महिलाओं का 7% महिलाएं पढ़ी लिखी होती थी पुअर हेल्थ फैसिलिटीज होती थी
हेल्थ फैसिलिटी उतनी प्रोवाइडेड नहीं थी, प्रॉपर नहीं थी। सेकेंड आपका इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट जो था 218 पर 1000 था, जो अब प्रेजेंट में 63 है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो थी 44 थी, ठीक है, जो आज की डेट में 66 ईयर है। बर्थ रेट जो था 44 था, और जो डेथ रेट है वो 40 पर 1000 पर्सन था, तो आज की डेट में जो 40 है, सॉरी 40 था पहले, क्लियर। तो मेरे हिसाब से ये आपका चैप्टर समाप्त हो गया है। डू यू हैव एनी क्वेरी, सो यू कैन आस्क मी थ्रू माई व्हाट्सएप नंबर जो मैंने गिवन कर रखा है, और आप डिस्क्रिप्शन से एनसीईआरटी क्वेश्चंस को कर लेंगे। मिलते हैं अपने नए चैप्टर के साथ, धन्यवाद।